आज हम खुदा की बारगाह में कि खुदा सदा वफादार है, हमेशा वफादार है, अब तक वफादार है, कुदरत वाला खुदा है, वह नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला खुदा है। हालेलुया, क्योंकि खुदा ने यहां तक वफादारी दिखाई कि उसने अपने प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु को आसमान से जमीन पर भेज दिया, जाके तमाम मेरे लोगों के लिए इनको अपने खून से सींच दे, इनके सारे किर्मजी गुनाह हमेशा के लिए खत्म कर दे, और इनकी सारी बदियां, इनके सारे मरूसी गुनाह हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, और मेरा खुदावंद यीशु आप सबके साथ इस जगह पर उतरा हुआ है। जब यीशु हमारे साथ खड़ा है तो वो आपकी कुवत है, वो आपकी शिफा है, वो आपका जलाली है, वो आपकी पनाहगाह है, वो आपकी सिपर है, वो आपका शिफा का मंबा है। अब्रानियों 3:5 उसकी 5 जरा जोर से पढ़े जी। कलामे मुकद्दस में कुछ इस तरह लिखा है, क्योंकि वो मूसा से इस कदर ज्यादा इज्जत के लायक समझा गया जिस कदर घर का बनाने वाला घर से ज्यादा इज्जतदार होता है। चनाचे हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब चीजें बनाई हैं वो खुदा है। मूसा तो उसके सारे घर में खादम की तरह दयानतदार रहा ताकि आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही दे, लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार है और उसका घर हम हैं, बिशर्ता के अपनी दलेरी और उम्मीद का फखर आखिर तक मजबूती से कायम रखें। हालेलुया, सारा अख्तियार मसीह को दिया गया, उसे कहा आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मेरे पास है, और मैं रवा की कुंजियां मेरे पास है, और उसने पूरी धरती का अख्तियार बना के सब कुछ उसके हवाले कर दिया, और उसने कहा कि ये मेरी प्यारी कलीसिया, ये मेरी प्यारी बेटी, हम उसका पाक मकदस, हम उसका पाक घर हैं। हालेलुया, एक दूसरे को कहें आप यीशु का पाक मकदस हैं, आप यीशु का पाक मकदस हैं, आप यीशु का पाक घर हैं, आप कहें यीशु का पाक घर हैं, क्योंकि वो वफादार खुदा है, वो अपनी वफादारी आपको दिखाना चाहता है कि हम किस तरह वफादार बनेंगे। जब वो वफादार है हम किस तरह वफादारी, हमने ये दिखानी है आज जो सुबह आप 7:30 बजे आ गए ना, तो ये पूरी वफादारी है, रूह और सच्चाई है। जब खुदा के साथ हम दिल खोल के रूह जान दिल से चलेंगे और अपने सारे मन अपने सारे दिल अपनी सारी रूह अपनी सारी जान से खुदा मंद खुदा के साथ चलेंगे, तो खुदा आसमान खोल के आपको बरकत देगा, खुदा आपकी मन की मंशा पूरी करेगा, खुदा आपके सारे राज्य कायम करेगा, खुदा आपको हर जगह पर कामयाबी देगा, खुदा हर जगह पर आपको फतेहमंदी देगा, बीमारी कभी आपके नजदीक नहीं। जब आप उसका पाक मकदस, तो उसका वादा तपोली तेरे डेरे में छिना चाहती भाई, क्यों वो बहुत तेरे नजदीक नहीं आएगी। इसलिए मेरा खुदा आज अपनी कलीसिया को अपनी वफादारी दिखाता है। खुदा तो भला खुदा है, खुदा तो रहमतों का बरकत देने वाला खुदा है, वो तो हर जान की चाहता है कि तू जिंदगी पा और कसरत की जिंदगी पा। वो बोला मैं इसलिए आया कि तू जिंदगी पाए कसरत की जिंदगी पाए, मैं इसलिए आया कि तू आसमानी तख्त पर आके बैठे और तू आपको अपने सर से बिठा दे, जहां मैं हूंगा वहां मेरे बेटे बेटियां होंगे। कितने अपने आप को उसके मुख्य मैंने तुम्हें बेटे बेटियों से बढ़कर रुतबा दिया, अपने हाथ दिखाएं कि हम तेरे बेटे बेटियां हैं, हम तुझे धन धन कहते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं। वो कुदरत वाला खुदा वो आपसे आज हम कलाम है आज आपसे कहता है, ऐ मेरे बेटो ऐ मेरी बेटियो, वफादारी से रूह सच्चाई से दिल की गहराई से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सरफराज करूंगा, मैं तुम्हें उम्र की दराजी दूंगा, मैं तेरे मांगने से पहले हर चीज तुझे मुहैया करूंगा। वो हर चीज देने में कादर खुदा है, इसलिए हम उसके नाम को चूमते हैं, हम उसे धन धन कहते हैं। इब्राहिम खुदा के साथ चलता था, इब्राहिम जिस तरह खुदा ने बोला उसी तरह खुदा ने उसके साथ किया, उसने उसका एक भी हुक्म न टाला, इब्राहिम की एक भी दुआ पीछे न चली, इब्राहिम को हर तरह उसने हिफाज की। कलाम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब उसका 27 बाब उसकी 30 आयत, भाई रख के जोर से पढ़े, मैं खुदावंद उसकी हिफाज करता हूं, मैं उसे हर दम सींचता रहूंगा, मैं दिन रात उसकी निगाहबानी करूंगा कि उसे नुकसान ना पहुंचे। अपने बेटे बेटियों को किसी जगह कोई नुकसान नहीं पहुंचे, ये खुदा का वादा है। वो कहता है कि मैं हर वक्त तेरी हिफाजत करूंगा,
हर वक्त तुझे सीता रहूंगा, हर वक्त तेरे साथ चलूंगा, हर वक्त तेरी निगाहबानी करूंगा। रात सोते भी तेरा राखा ना कभी उंगलावे, तेरे रब ने नींदर भी रात का आपको मीठी नींद कर भी उसके फरिश्ते आपके साथ खड़े होते हैं कि आपको जर तक न पहुंचे, आपको नुकसान तक न पहुंचे, कोई शैतानी ताकत आपके नजदीक ना आए, वो आपकी हर वक्त निगाहबानी करता है। हालेलुया, एक दूसरे बोले मेरा खुदा तेरी बड़ी फर्ज करता है, मेरा खुदा तेरी बड़ी फर्ज करता है, इसलिए तू खुदा में मजबूत हो जा, इसलिए तू खुदा में मजबूत हो जा, मेरा खुदा हर वक्त तुझे सीता रहेगा। बोले बोले मेरा खुदा हर वक्त तुझे सीता रहेगा, हर वक्त तेरी निगाहबानी करेगा, हर वक्त मेरे साथ रहेगा। हालेलुया, वो कुदरत वाला खुदा है, वो रहम वाला खुदा है, वो रहम करने वाला खुदा है। पदाश 28 बार उसकी 15 में लिखा हुआ है, और देख मैं तेरे साथ हूं और हर जगह जहां तू जाए तेरी हिफाज करूंगा और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हमारा खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया, इसलिए जोरदार तालियों से खुदा उनके नाम को चला दो। देखें, जो लोग वफादार थे खुदा ने उन्हें बड़ी बरकतें दी। एक जो सच्चे जलाली मुकद्दस पाक रूह से भरे हुए, जिनके दिल में खुदा की तड़प, जिसका प्याला ओवरफ्लो, जिसके अंदर पाक रूह की नदियां जारी होती, जिसके अंदर पाक रूह के फल जारी होते, जो खुदा को रूह जान दिल से प्यार करते, रूह जान से हर वक्त उसके साथ रहते, जिस तरह इब्राहिम, जिस तरह मूसा, जिस तरह यशुआ, जिस तरह एलिया, जिस तरह उसके साथ जसाया, ये सब लोग खुदा के पाबंद थे, सब लोगों ने खुदा से वफादारी दिखाई, सब खुदा के ममसू थे, सब खुदा के साथ चलते थे और खुदा हर वक्त उन्हें साथ रखता था, हर वक्त उन्हें बचाता था, हर वक्त उनकी हिफाजत करता था, किसी जगह भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने देता था। मैंने पिछली दफा शायद टेस्ट मैंने शेयर की थी, चाइना में शुरू शुरू में जब कलाम गया तो वहां पर मसीहों के ऊपर बड़ी आफत आई, मसीहों को उन्होंने बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकाला, मसीहों को घरों से गिरफ्तार करके उन्हें गोली मार देते थे। इसी तरह जब यह वक्त आया कि लोग जिस तरह वो सख्ती करते थे और लोग मसीह होते जाते थे और लोग खुदा की नजदीकी में जाते थे और खुदा के पाक रूह से भर जाते थे और उनके दिल में बेहद ईमान आ गया, 10-15 लोग पकड़े गए घर से और उन सबको मिलिट्री ले गई, कहने लगी इनको गोली मार दो। उनमें एक औरत थी जो कि 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसको बोलते हैं तेरे बच्चे को मार देंगे, तुझे मार देंगे। उसने बोला जो कुछ मारना मेरी जान भी मार दो, लेकिन मैं खुदा की वफादार बनूंगी, खुदावंद यीशु मेरा है, मेरा रहेगा, अब तक रहेगा, भले ये जान चले, ये जिस्म चला जाए, लेकिन मेरी रूह उसके साथ रहेगी। उस औरत के पेट में उसने ठुड्डा मारा फौजी ने, वो उधरी पेट को पकड़ के लोटपोट हो गई, लेकिन वो बच्चा जिंदा रहा। फिर उन्होंने कहा कि इन सबको शूट कर दो, 15 जाने दिया, ऐसे लाइन में खड़ा कर दिया, उनके ऊपर शूट करने के लिए सब मिलिट्री वाले खड़े हो गए। कप्तान ने बोला शूट, जब गोलियां मार रहे थे वो गोलियां ऊपर को चल रही थी, फिर दोबारा उन्होंने बोला नीचे गोलियां मारो, नीचे जा रहे थे गोलियां इधर उधर जा रही थी। खुदा का फरिश्ता उनकी सारी बंदूकें सारी सब खत्म कर दिया और उनको कोई जर तक ना पहुंची। वो मिलिट्री वाले भी तब्दील हो गए, उन्होंने खुदावंद को कबूल किया, क्योंकि खुदा ने कहा इनका खुदा वफादार खुदा है, इनका खुदा हमेशा इनके साथ रहने वाला खुदा है। हालेलुया, रशिया में 3 लोगों को पकड़ा और उन्हें बर्फ के खड्डे में डाल दिया और उनसे कहा कि तुम मसीह का इनकार करो। उन्हें बोला ना ना, मसीह का इनकार क्यों करें, मसीह तो हमारी जिंदगी है, मसीह तो हमारी खुशी है, मसीह तो हमारी कूत है, मसीह तो हमारे साथ है। जैसे सदर की मसीह को भी बोला, बोले तुम लोग मुझे आपकी भट्टी में डालो, लेकिन हम जिंदा खुदा की प्रस्तुति करेंगे, हम जिंदा खुदा के साथ रहेंगे। सदर की मसीह की तरह उन्होंने कहा हम जिंदा खुदा के साथ रहेंगे, वो जिंदा है, अब तक मेरा है, अब तक हमारा है, अब तक हमेशा रहेगा और हम उसके साथ रहेंगे। उसने कहा जहां मैं आऊंगा वहां मेरे बेटे भी होंगे,
तीनों को उन्होंने बर्फ के अंदर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लगाए रखा, उधर लगा रखा, किसी का पाँव नहीं। आखिर में आखिरी लम्हा में एक आदमी इनकारी हो गया, उसने जल्दी से बोला कि मैं बाहर जाऊं, लेकिन आसमान से ऊपर से वो गोल्डन ताज उनके लिए आ रहे थे। और उधर साथ वाले संतरी ने देखा कि ऊपर से 3 ताज आ रहे हैं, एक बंदा उसने जल्दी से जंप मारा और उसने वो ताज हासिल किया। वो अपने बेटों की ऐसी बात कर रहा है, वो अपना ताज जलाली ताज उनके सर के ऊपर रखता है। वो कुदरत वाला खुदा है, किस तरह सदर के मिस्र को जलती आग की भट्टी में डाला, जान देने तक भी बहुत आ रहा है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, जान जान देने तक। सदर के मिस्र ने अपनी जान दी, उनके साथ यीशु आ गया, उसको कर कोई आग तुझे जरना पहुंचाएगी, कोई आग की आग तुझे जरना पहुंचाएगी, कोई तूफान तुझे तुम्हारा से छुपा ना सकेगा, कोई दरिया तुझे डुबो ना सकेगा, ये उसके वादे है। उन्हें बोला मेरा खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है। जब उसने उनको डाल दिया गया तो बादशाह चला उठा, ये चौथा कौन है मैं समझते देखा, इसकी आवाज आने किसी सूरत नजर आ रही है, देख रहे हैं सब लोग देख रहे हैं। उन्हें बंद करो बटन, निकालो 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 इनको बाहर निकालो। बाहर निकाला ना उनके जिस्म जलसे, ना उनके कपड़े जले, ना उनसे सड़ने की बू आ रही थी। जिंदा खुदा के बंदे हैं ये, जिंदा खुदा के बेटे हैं। और हुक्म दिया आज के बाद सदर मिस्र के खुदा के अलावा किसी और को पूजे उसको टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। कितनी बड़ी गई, उस खुदा ने इतनी हिफाजत की, इतनी वफादारी की कि आग की भट्टी में जलती भट्टी में 440 वोल्ट में अंदर जा गुस्सा और आपको बचा लिया। आज भी आपको बचाता है। हम बड़े बेवफा हो जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन वो वफादार खुदा है। वो कहता मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद के रखी हुई है। हालेलुया। जब आपकी सूरत उसकी हथेली पर है तो कोई बाप अपनी बेटी को छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता। एक दूसरे कहे तेरी सूरत मेरे खुदावंत की हथेली के ऊपर है, तेरी सूरत मेरे खुदावंत की हथेली। जोरदार तालियों से खुदावंत के नाम पर जुड़ा दो। हालेलुया। मेरे बेटो मेरी बेटियों, कलाम में लिखा हुआ है पहला तसल्लियों 5 बाप उसकी 24 और 26 आयत में, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। मेरे बेटियों बेटियों, खुदा आज चाहता है कि आपके रूह जान जिस्म, जिस तरह मैंने बोला, बिल्कुल पाक बेऐब और कोई इसमें दाग ना कोई डिब्बा ना कोई जरी, कोई दुनियावी चीज आपके ऊपर गालब ना आए, खुदा में मजबूत बनाओ। जब खुदा में आए तो आपके कंधे पर हाथ मारे, शाबाश मेरे बेटे शाबाश मेरी बेटी, तू मेरे हजूर में मकबूल ठहरी। हमने दुनिया पर गालब आना है, अकल सब कुछ नहीं हो जाए, नई इंसानियत पहनो, नई कूद पहनो, नया जोर पहना, पाकरू के पाकरू के फलों से लबालब आपकी जिंदगी भरनी चाहिए, पाकरू की कुदरत से आपकी जिंदगी को ममूर होना चाहिए, पाकरू की कुदरत से हमेशा आपके साथ, लेकिन बशर्ते कि आप अपना दिल अपनी रूह अपनी जान हर तरह का लालच हर तरह की बदी हर तरह की बुरी ख्वाहिश हर तरह का हैली फूड हर तरह की हैली फिजन हर तरह की हैली टेलीविजन हम सब कुछ छोड़ के सब इनकार करके खुदा खुदा के साथ सच्चे दिल से चले और खुदा आपको आसमानों तक लेकर जाएगा, खुदा आपको बुलंदियों पर लेकर जाएगा, खुदा अपने शहरों की आपको दीदार कराएगा, खुदा अपना चेहरा आपके ऊपर आएगा। कहता जो कोई भी इस तौर से मेरी खिदमत करता है मैं और मेरा बाप उसके पास आएंगे, उनके घर सुकूनत करेंगे और उसके साथ हम खाना खाएंगे। कितने चाहते हैं मेरा खुदा बाप मेरे घर में आए, मेरे साथ आए और अपनी सोच की सोनी सूरत जलाली सूरत हम देखें। हालेलुया। क्योंकि वो वफादार खुदा है, वफादार खुदा के साथ वफादार रहना है, कृषिया के साथ वफादार रहना है, खादों के साथ वफादार रहना है, कोई दुनियावी चीज आपके ऊपर गालब नहीं आएगी। और अगर आपने बरकत पानी है, खुदा आज आपको कुछ कह रहा है कि आप बरकतों के अंबार आपके ऊपर आ जाए, बरकतों के अंबार आपके ऊपर आ जाए। किधर चलते हैं आज बरकतों के अंबार हमारे ऊपर आए, ब्लेसिंग ब्लेसिंग बरकत बरकत बरकत। हालेलुया। जब जानवर
अपने मालिक की इतनी सेवा करते हैं, इतने उसके वफादार होते हैं, तो आप सब तो खुदा के नाम लिए नाम लेके आपने पुकारा, आप खुदा के वफादार बनेंगे। हालेलुया। और एक दूसरे को बोले आप खुदा के वफादार बेटी, आप खुदा के वफादार बेटे बनेंगे। वो आज यही चाहता है, आप खुदा के साथ वफादारी करें, खुदा आपको आसमानों से बरकत देगा, वो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए दौड़ा लेगा। यूहन्ना 8 बाब में लिखा हुआ है, बैतहसदा का जिक्र वहां पर किया हुआ है। खुदा यीशु जब इस दुनिया में आ गए, खुदा यीशु ने पूरे बनी इंसान के लिए अपनी जान दी, और खुदा यीशु जिधर जाता था सब लोग उसे छूते थे, ताकि जो भी उसे छूता था कमल छुआ पाता था। बैतहसदा में खुदा यीशु ने निगाह की कि एक आदमी 38 बरस से लंबी बीमारी में मुबतला है, और वो किसी बहुत बड़े गुनाह की वजह से खुदा ने उसे सजा दी थी। खुदा यीशु उस हौज में गया, लिखा हुआ कि उस हौज में खुदा का फरिश्ता अल्लाह सुबह उतरता था, उसके पानी को हिलाता था, और वो पानी हिलता था, लोग शफा पाते थे। लेकिन आपके बीच में शफा का मंबा उतरा हुआ है, आप ईमान रखें कि आज आप कामल शफा पाएंगे। आज ईमान रखें कि आपकी हर किस्म की बीमारी, उसका वादा मैं तेरे बीच में से हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की बीमारी हमेशा के दूर करता हूं, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, मैं तुम्हारे बीच में से हर किस्म की बीमारी को दूर करूंगा। उसका वादा है तुम में ना भांज होगी ना कीम होगी, बल्कि बच्चे वाली बन जाएगी, और मैं तुम्हारे बीच में से हर किस्म की बीमारी हमेशा के दूर कर दूंगा। इस तरह 7:15 में लिखा हुआ है। तो वो खुदा वहां पर यीशु नासरी गया, यीशु नासरी उसके पास जाके खड़ा हो गया। यीशु नासरी तो अलमोल गायब है, उसको तो पता है। उसने पूछा क्या क्या तू ठीक होना चाहता है? उस आदमी ने कहा, इंसान था ना, उसने खुदा की तरफ देखा ही नहीं, उसने बड़ी आजी से कहा मेरे पास कोई बंदा ही नहीं है जरा मैंने चुप के हौज चुपा दे, मैं की ठीक होना। यीशु ने तो मेरी तरफ देख, उठ अपनी चारपाई उठा और चल। फिर वो बंदा 38 बरस का बीमार, खुदा यीशु का उसके ऊपर तरस आ गया, खुदा यीशु की उस पर नजरे करम आ गई, खुदा यीशु का उस पर रहम आ गया, और साथ में उसे कहा जा आइंदा कभी गुनाह नहीं करना। मेरे बेटो, दुनियावी चीजें हमें अपनी तरफ बड़ी कर देती हैं, जो लोग सोते हैं वो सोते ही रह जाएंगे। अगर यीशु अर्ली मॉर्निंग आ गया तो हमने सब उन कुंवारियों की तरह उसके इस्तकबाल के लिए जाना है मिश्रों में। आपकी जिंदगी पाक रूप से तर होनी चाहिए, आपकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं होना चाहिए, आपकी जिंदगी बेआब होनी चाहिए, आपकी जिंदगी सारी खुदा के लिए हर लम्हा हर वक्त उसके लिए तैयार है। किसी वक्त भी आपके पास आएगा, किसी लम्हा भी आपके पास आएगा, किसी वक्त भी आपको छुएगा, ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, तू तैयार है? यस यीशु मैं तैयार हूं, मैं तेरे साथ जाऊंगी। वो आपको लेने के लिए आएगा, तो क्या ठहर जा, मेरे दर पर तैयार हो रहा है, मेरे लिपस्टिक ला, मेरे जूती पाला। यीशु जब आ गया, किस तरह उसने पतरस को जाग छुड़ाया, फिर से बोला उठ जुबा पहन और चल। एक गेट खुल गया, दूसरा गेट खुल जाती है, वो हर मुसीबत में वो आपको किसी जगह नुकसान नहीं पहुंचे, वो हर जगह आपके साथ खड़ा होता है। वो यीशु के लिए हमने इस्तकबाल के लिए तैयार होना है। कितने तैयार है? यस मैं तैयार हूं। हालेलुया। अब सब तैयार है, खादिम सारे तैयार है। क्या हो गया खादिम? यू आर रेडी फॉर टू मीट जीसस इन हेवन। Hallelujah! We meet Jesus in heaven. Hallelujah! Because Jesus, our heart is heaven. Our heart is heaven. आपका दिल उसका पाक फरदौस है। जब आपका दिल उसका फरदौस है, तो वो आपके पास आएगा। Hallelujah! आपको हग्गी डालेगा, आपको किच्ची देगा, आपको प्यार करेगा। ये मेरी बेटी, ये मेरी बेटी, मैं तुझे बड़ा प्यार करती हूँ।